हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान, बीए सेकंड ईयर। सामाजिक अनुसंधान क्या है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि अनुसंधान क्या होता है। शोधकर्ता के निरंतर प्रयोग तथा प्रयत्न से जो ज्ञान की वृद्धि होती है वो अनुसंधान कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो शोध है, अनुसंधान नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा उपलब्ध ज्ञान की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक का प्रयत्न सफल हो या असफल, उससे लाभ हो अथवा हानि, अनुसंधान का इससे कोई संबंध नहीं है। इतना ही काफ़ी है कि एक प्रयास किया जा रहा है। कहने का मतलब है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का अवलोकन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन के चरण क्रम से होते हैं। अनुसंधान एक ऐसा प्रयत्न है जिसमें नवीन ज्ञान की खोज तथा उपलब्ध ज्ञान में परिवर्तन को भी मालूम करना होता है। अब है सामाजिक अनुसंधान। भी अनुसंधान का तो जैसे हमें पता चल गया, समझ में आ गया कि भी निरंतर प्रयासों से हम जो एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान क्या है कि भी समाज के क्रम में, हम समाज के रेफरेंस में जो हम अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे मानव समाज, राज्य, सरकार, प्रशासन, नेतृत्व आदि की व्यवस्था, अव्यवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों से संबंधित जो वैज्ञानिक पद्धतियों तथा चरणों के द्वारा जो शोध अथवा गवेषणा की जाती है वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। कि भी समाज के संदर्भ में हम जो वैज्ञानिक रूप से जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अब इसकी नेक्स्ट कुछ सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं एवं प्रकृति। हमारा जो सामाजिक अनुसंधान का अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकृति एवं विशेषताएं। कि भी इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी नेचर है, प्रकृति है। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति या विशेषताओं में जो पहला पॉइंट है वो है प्राकल्पना की जांच। प्राकल्पना की जांच में प्राकल्पना, हम जानेंगे कि प्राकल्पना क्या है। प्राकल्पना को प्राकथन भी कहते हैं। भाई जब हम अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान से पहले हम उसके बारे में एक मतलब कुछ एज्यूम कर लेना, पहले से ही कोई कल्पना बना लेना कि भी हमारा अनुसंधान हम सिस्टमेटिकली करेंगे विभिन्न चरणों में तो हमारा अनुसंधान इस डायरेक्शन में जाएगा, वही प्राकल्पना कहलाती है। तो सामाजिक अनुसंधान प्राकल्पना के निर्माण से प्रारंभ होता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य समाज से संबंधित प्राकल्पना की जांच करना होता है। सेकंड है व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान। इसमें गुडेन हॉट जो एक समाजशास्त्री विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान समाज से संबंधित दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं, व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान। शुद्ध व्यवहारिक अनुसंधान वास्तविक समस्या से संबंधित होता है, वास्तविक समस्या से संबंधित क्षेत्र से तथ्य एकत्र करके प्राकल्पना का परीक्षण करता है। और जो शुद्ध अनुसंधान होता है वो पुस्तकालय में जैसे उपलब्ध विषय से संबंधित सामग्री का क्रमबद्ध संकलन करना, उसका वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, ये शुद्ध अनुसंधान कहलाता है। थर्ड पॉइंट है कार्य कारण संबंध का अध्ययन। जो सामाजिक अनुसंधान होता है वो प्राकल्पना अथवा अध्ययन की समस्या से संबंधित तथ्यों के परस्पर कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन करता है। क्या है कार्य कारण? कार्य कारण किसे कहते हैं, कारण प्रभाव किसे कहते हैं? मतलब कोई भी जो कार्य हो रहा है या कोई भी जो घटना घटित हो रही है उसके पीछे का रीज़न या उसके पीछे का कारण क्या है, इसको जानने का जो इसको जब हम किससे जान सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम इसको जान सकते हैं कि किसी भी कार्य के पीछे क्या कारण है, किसी भी घटना के पीछे क्या कारण है। तो इस तरह से जो सामाजिक अनुसंधान है वो कार्य कारण संबंधों का भी इसमें अध्ययन कर होता है।
या करता है। प्राकल्पना में वर्णित समीकरण की जांच कारण प्रभाव के संदर्भ में सामाजिक अनुसंधान करता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक चरणों का पालन। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता जो है या अनुसंधान करने वाला है वो वैज्ञानिक शोध के चरणों, चरण कौन कौन से, जैसे प्राकल्पना का निर्माण करते हैं, पहले से ही प्राकथन बना लेते हैं दिमाग में, किसी भी समस्या के अध्ययन से पहले जो दिमाग में हम अपना एक थॉट बना लेते हैं, तो प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, निष्कर्ष आदि जो वैज्ञानिक शोध के चरण हैं उनका कठोरता से पालन सामाजिक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान में करता है। नेक्स्ट है तथ्यों की खोज। तथ्यों की खोज इसमें सामाजिक अनुसंधान में समाज, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा जो समाज का ढांचा है, संरचना है, संगठन है आदि से संबंधित नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा पुराने तथ्यों की जांच की जाती है कि भी पुराने तथ्य भी आज के संदर्भ में फिट बैठ रहे हैं, सही हैं या नहीं हैं, इनकी दोबारा से जांच की जाती है। नेक्स्ट है सिद्धांतों का परीक्षण। सिद्धांत कई प्रकार के होते हैं, जैसे विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, तत्वमीमांसीय आदि। सामाजिक अनुसंधान जब प्राकल्पना तथा सिद्धांत का परीक्षण करके निर्माण करता है तो क्या कहते हैं, उसे वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों की जांच नवीन तथ्यों द्वारा समय समय पर उनकी विश्वसनीयता की, उनके प्रमाणिकता की, सत्यता की जो है जांच होती रहनी चाहिए। ये कार्य क्या कौन करता है, सामाजिक अनुसंधान भी। जो भी पुराने तथ्य हैं वो नई व्यवस्था में सही हैं या नहीं है, नए जो तथ्य आ रहे हैं वो किस, वो जो है हमारे उनके द्वारा जो हमारे परिणाम जो निकल रहे हैं वो सही हैं या नहीं हैं, इस प्रकार से जो ये समय समय पर उनकी प्रमाणिकता, विश्वसनीयता, सत्यता की जांच वो करते हैं। ये कार्य सामाजिक अनुसंधान ही करता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का परीक्षण करके उन्हें पुनः स्थापित करना, ठीक है, संशोधित करना आदि का जो कार्य है वो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है नवीन प्रविधियों की खोज। अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान में क्या होता है कि भी प्राकल्पना की शुरू से हम जो क्रम पढ़ रहे हैं कि भी सबसे पहले प्राकल्पना की जांच होती है, उसके बाद तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सिद्धांतों की सत्यता, ये जो एक जो पर्टिकुलर निश्चित रूप से जो क्रम चल रहा होता है इनकी क्या है सत्यता आदि संबंधित जो अध्ययन के अतिरिक्त जो क्या है अनुसंधान में क्या किया जाता है, नवीन हमारे जो प्रविधियों की खोज भी की जाती है, इनकी जांच करने, उनसे संबंधित तथ्य संकलन की प्रविधियाँ जो है वो विज्ञान में नहीं होती हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए जो सामाजिक अनुसंधान है वो ही क्या सर्वप्रथम नवीन प्रविधि की या नवीन विधि की खोज करता है। नेक्स्ट है क्या है का अध्ययन। अब जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें जो है विभिन्न सामाजिक घटनाओं, समस्याओं, प्राकल्पना आदि का अध्ययन क्या के दृष्टिकोण से किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान जो है कभी भी क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता है या क्या होना चाहिए से उसका कोई संबंध नहीं होता है। सामाजिक अनुसंधान जो है वो क्या है, कैसे है, क्यों है तथा क्या होगा का शोध है, ना कि क्या होना चाहिए का शोध। वो कभी भी एक आदर्शात्मक बात नहीं करता है भाई क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, इस तरह की बात सामाजिक अनुसंधान में कभी भी नहीं की जाती हैं। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में जो है क्या है का मुख्य रूप से जो है क्या है का ही अध्ययन होता है। वैज्ञानिक रूप से चूंकि हम इनका अपना जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक रूप से होता है, सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक चरणों के माध्यम से अध्ययन करता है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होना चाहिए का अध्ययन ना करके क्या है का ही अध्ययन करता है। लास्ट का अपना जो टॉपिक है, पॉइंट है सॉरी, वो ज्ञान का संचय। सामाजिक अनुसंधान का जो प्रमुख लक्ष्य जो होता है वो ज्ञान का संचय करना होता है, ये ज्ञान को इकट्ठा करना होता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्यों अर्थात सामाजिक संगठन घटनाओं के संबंध में क्या हमें ज्ञान प्रदान करता है। सामाजिक अनुसंधान में
जैसा कि पहले बता चुकी हूँ मैं कि प्राकल्पना की जांच, सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया जो विज्ञान का विकास करती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। और इस अनुसंधान के अंतर्गत जो ज्ञान का संचय किया जाता है, उसका जो उपयोग है वो सामाजिक सर्वेक्षण, समाज सुधार में, समाज नियोजन में, सामाजिक व्यवस्था को सही चलाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, प्रकृति, हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।